अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले जी वीडियो को लाइक किया करें, एंड तक लाजमी देखा करें, और तो प्लीज सब जी बिल्कुल यही है जो बच्चा कहना चाह रहा है ना, आपको यही करना है। आपने मेरे चैनल के साथ, मेरा तो मुँह भी थक गया तो कह कह के, पर असर कोई नहीं होंगे। तो यह कि प्लीज़ ज़रा मेहरबानी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। तो आज जी मैं बना रही हूँ नाश्ते में ट्रायंगल पराठा, समोसा पराठा जो आप कहना चाहें आप उसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने रोटी को फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद पहले आपने बीच में ऑयल वगैरह लगा लेना है, फिर रोटी को फोल्ड कर लेना है, और सेम इसी तरीके से आपने इसको बेल लेना है। तो मैं असल में 2-3 दिन से बच्चों को बना के दे रही हूँ कि बच्चे जो है ना वो खाने में बड़ी ही कोई सुस्ती करना शुरू हो गए हैं, भूख लगती नहीं है इनको। तो फिर मैंने एक थोड़ी सी ना चेंजिंग की है, तो इस तरह खुश खुश खा लेते हैं। तो एक दिन मैंने स्क्वायर बना के दिया था, आज मैंने ट्रायंगल बना के दिया। तो फिर अगर तुम सुनो ज़रा, तो मेरे बच्चे आके मुझे कह रहे हैं कि मामा आप ऐसा करें हमें रेक्टेंगल पराठा बना दें। तो मैं सोचा अभी अम्मा थोड़ी कोई डिज़ाइनर थोड़ी है कि रोज़ थानू रोजाना डिज़ाइनर पराठा बना के देगी, पर की कर सकता बंदा, बस बच्चों की फरमाइशें होती हैं जी। तो यहाँ पे हैं दही मेरे पास, बच्चे जो मेरे हैं ना वो ताज़ा सालन तो खा लेते हैं शौक से, लेकिन नेक्स्ट डे बड़ा मुश्किल होता है उनको खिलाना। तो दही है कि बचपन से मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह शौक से खाते हैं। हायका को प्लेन पसंद है और तलहा को फ्रूट्स वाला पसंद है, तो दोनों का अपना अपना। अब मैं इनको डाल के दूँगी और हायका का पराठा बन गया और साथ में तलहा साहब का बन रहा है, और अब ये दोनों खाएँगे और बड़े शौक के साथ खा लेते हैं। आप भी इस तरह की ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है जनाब। तो ये है प्लेट, मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्लेट नहीं, खाली प्लेट में कुछ नहीं करना, खाली प्लेट नहीं बनानी। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, अभी मैं बनाने लगी हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ जी, क्योंकि मुहर्रम का महीना है और हलीम लोग बनाते हैं, ख़त्म दिलवाते हैं, तो मैं बहुत सिंपल सी इंस्टेंट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलीम की। यहाँ पे ये छोटी सी डिब्बी मैंने ली है, क्योंकि मेरे पास मेजरिंग कप्स नहीं हैं, और जो वैसे कप्स हैं मग्स हैं मेरे पास, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो दैट्स वाई वो मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा है। तो इस वजह से मैंने ये कप लिया है, और इसमें मैंने 1 कप चावल, 1 कप मूंगी की दाल है, और साथ में इसके अंदर जाएगी 1 कप चने की दाल। मैं अपने कप के हिसाब से कर रही हूँ, आप अपनी फैमिली के हिसाब से मेजरमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप मसूर की दाल, लेकिन यह है कि सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी दालें आपने क्वांटिटी में सेम लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक दाल रह गई थी, मैं बड़ी शोखी बन के जी सेट हो गया था कि बस, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये 4 चीज़ें 5 होनी चाहिए, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि 1 दाल तो रह ही गई, तो वो भी मैंने ली। वो रह गई है जी माश की दाल। तो यहाँ पे आपने भी सारी चीज़ों को सैडे ला के ना, तो यहाँ पे ना वो भी सुट देनी है इसके अंदर, ठीक। तो अब से ही एग्जैक्ट पिक्चर आई है, ठीक है। सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। वैसे जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें तो आपको पता है गंदम भी डलती है, आपकी मर्ज़ी आप जो भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो चीज़ें नहीं की। ये इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की ये भी बनती है, तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सारी चीज़ें आपने एक ही मेजरमेंट से लेनी है, ठीक है। एक कप मैं आपको दिखा रही हूँ, बार बार दिखा रही हूँ कि इस कप के साथ, ठीक है, जितना मर्जी लेके आओ ऐसे कप ना तो मेजरमेंट करनी, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये सारी दालें जो हैं वो एक बर्तन में मिक्स कर लेनी है, एक भांडे में इनको मिक्स कर लेना है। और अगर आप पाकिस्तान और उसके मज़ाफात में रहते हैं तो दालों को साफ़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दालें बहुत गंदी और होती हैं, क्योंकि खुला आपको खुली दालें मिलती हैं, तो चलते यहाँ पर तो इतनी टेंशन नहीं होती इन चीज़ों की। तो अभी मैं ये सब कुछ कर ही रही थी, तो एकदम बच्चों ने शोर मचा दिया कि मामा देखें मौसम, देखें मौसम। तो मैं भागी भागी आई, तो वाकई मौसम जो है ना इतना गज़ब का हो रहा है, और आप यकीन करें हम तरस गए हैं जब से यहाँ पर आए ना। पाकिस्तान में पता है जैसे ही थोड़ा सा हब्स होता है ना, तो पक्का यकीन होता है कि अभी ना भाई होनी अंधेरी आ जानी है। भाई अंधेरी जो है ना वो पंजाबी में ही कहने का मज़ा आता है, अनेरी का जो मज़ा है ना वो यहाँ पे नहीं था। रोज़ाना मौसम इस तरह का था, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो आज अभी बस 5 मिनट के अंदर अंदर ही कोई बादल बने हैं, उसके बाद कोई इतनी अच्छी हवा चलना शुरू हुई है ना, बिल्कुल आंधी टाइप तेज़ हवा, स्वाद आ गया, सही बात है। अब मतलब उम्मीद है कि थोड़ी देर में बारिश भी हो ही जाएगी, तो बड़ा अच्छा मौसम बन गया था, मुझे तो बड़ी खुशी है। साथ में मैं हलीम बना रही थी और साथ में इतना अच्छा मौसम। तो आप जी खुश्क मसालों की तरफ आ जाते हैं, ये मसाला हम खुद घर पे बनाएंगे। इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने ली है, 1 तेज़पात है, 4 से 5 सब्ज़ इलायची, 5 से 6 लौंग, दारचीनी का टुकड़ा, ये मेरे पास बड़ा है, अगर आपके पास छोटे हो तो 2 ले लें, बादियान का फूल, खुश्क धनिया, सौंफ और ज़ीरा, और 1 मोटी इलायची। खुश्क धनिया और जो ज़ीरा है वो 2-2 टेबल स्पून है, और सौंफ 1 टेबल स्पून है।
इन तमाम चीज़ों को आपने पीस लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो जायफल और जावित्री भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था जायफल, मैंने दोनों चीज़ें मंगवाई थी, जायफल मिल रहा था, जावित्री नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा रहने दें ये दोनों चीज़ें। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह चुटकी बजानी है, ये देखें, और इस तरह करते ही मसाला पिस जाएगा। ठीक है, आई समझ, ये काम आपने करना है। ऐसे मसाला मिक्सी के अंदर नहीं पीसना, चुटकी बजानी है तो मसाला पिसेगा, आई समझ। तो उसके बाद मैं फिर आई भागी भागी, मेरे बच्चे कह रहे थे मामा तुसी कि हर 2 मिनट बाद आ जाते हो वीडियो बनान। तो लेकिन मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं इतने ठंडे मौसम में ना बस खिड़की के आगे खड़ी रहूं। देखें काले स्याह बादल आ गए हैं और चीज़ें उड़ रही हैं, कमाल का मौसम भाई, अनेरी अनेरी वाला मौसम। यहाँ पर ना असल में हम रोज़ाना न्यूज़ सुन रहे थे तो खुश्क साली का बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया था, बारिशें नहीं हो रही थी, तो इससे ये भी ख़तरा था कि मे भी गवर्नमेंट की तरफ से पानी यूज़ करने में भी थोड़ी पाबंदी आ जाती और मैनू तो फिर मौत पै जाती पानी थोड़ा इस्तेमाल करते हुए भाई, मैं तो दुआवां कर करके। लेकिन आया कि आज मौसम अच्छा हो गया तो अल्लाह रहम करेगा जी। उसके बाद मसाला हमने पीस लिया है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमने और ऐड करनी है। इसमें नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च का पाउडर है। ठीक है, ये आप अपनी स्पाइस के मुताबिक इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून डाला था तीनों चीज़ों को, और एक और स्पाइस था जो इसके अंदर नहीं मैंने डाला था, साबित काली मिर्चें भी इसके अंदर डालनी थी जब पीसने से पहले, तो मेरे पास साबित काली मिर्चें नहीं थी तो वो मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो अब यहाँ पे जब मैंने मसाला पीस लिया ना, तो अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं साबित काली मिर्च का भी ऐड कर दूँगी, पिसी हुई मेरे पास थी तो मैंने कहा चले मैं वो एंड पे ऐड करूँगी, तो ये भी मैं आपको साथ में मेंशन कर दूँगी। ठीक है, अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है, साबित है, तो आप वहाँ पे पीस लें, और अगर पिसी हुई है तो यहाँ पे ऐड कर लें। उसके बाद हैं रफली कट किए हुए प्याज हैं, और यहाँ पे हमने उनको कर लेना है ब्राउन। मैंने प्रेशर कुकर ही लिया क्योंकि इसी में मैंने बनानी है, तो इस वजह से मैंने प्रेशर कुकर में ही प्याज डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और साथ में 1/2 किलो चिकन है। हड्डी वाला चिकन लेंगे तो अच्छी यखनी बनेगी, टेस्ट अच्छा आएगा। आप बीफ या मटन भी ले सकते हैं, वड्डा छोटा गोश्त भी ले सकते हो, सीधी जी गल है। इसके बाद यहाँ पे दालें मैंने रखती थी, 2 घंटे दालें आपने भिगो के रखनी है, और उसके बाद आपने इनको बॉयल होने के लिए रख देना है, और प्याजों को आपने ब्राउन ब्राउन करना है। प्याज हो गए हैं हमारे ब्राउन, इसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बोल बोल के ना सा चढ़ जाता है मैनू। तो यहाँ पे हम 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। ठीक है, और चिकन को भी इसके साथ हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। ठीक है जनाब, यह है कि अगर बीफ और मटन हो उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, और हड्डी वाला चिकन जो है ना उससे अच्छा, क्योंकि यखनी अच्छी बन जाती है। और साथ में टमाटर थे मेरे पास 2 अदद, उनको मैंने, आप पेस्ट भी बना सकते हैं, मैंने उनको ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया था। और अब हम यहाँ पे जो मसाले हमने पीस के रखे हुए हैं ना, और उसके अंदर जो बाकी मसाले मिक्स किए थे, वो सारे के सारे इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे चिकन के साथ। ठीक है, और भुनाई के दौरान ही इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी ना कि बस बता नहीं सकती। एक तो मौसम अच्छा, ऊपर से भी खाने की खुशबू भी अच्छी है, तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब ऑयल छोड़ दिया मसाले में, ठीक है, अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें तकरीबन आपने 2 लीटर पानी डालना, और 2 लीटर पानी डालने के बाद आपने इसको 20 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा देना है। ठीक है, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। बाकी आपके गोश्त पे डिपेंड करता है, बीफ का है मटन का है, तो उसके मुताबिक आपने करना है। तो यह है कि हम इस पे 20 मिनट प्रेशर लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से जो चिकन है ना वो गल जाए। और उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ बाहर क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मज़ा आ रहा है भाई। और बस मैं बिज़ी थी ज़रा काम में, वरना दिल तो चाह रहा है कि बंदा गर्म गर्म कॉफ़ी पिए और इन्जॉय करे, लेकिन किचन में मसरूफ़ थी मैं। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बार बार आपको बाहर का मौसम दिखाने आ जाती हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही व्यू है आपको दिखाने के लिए। तो 20 मिनट के बाद जनाब ये देख सकते हैं आप, गोश्त जो है वो गल गया अच्छी तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बोटियाँ जो है ना वो हमने निकाल लेनी है। ठीक है, बड़ी सफाई के साथ ना आपने बोटियाँ इसके अंदर से निकाल लेनी है। और जो दालें थी वो गल चुकी थी, तो उनको मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ इसके अंदर ही ब्लेंड कर लिया। आप वैसे भी ब्लेंडर में डाल के तो उनको ब्लेंड कर सकते हैं, सेम इस तरह का आपने कारनामा से अंजाम देना है। और इसको आपने उठा के इसके अंदर डोल देना है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इसको इस वाली चीज़ में आपने डोल देना है, और डोलने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जी बोटियाँ आ गई हैं, खबरदार जो किसी ने एक भी बोटी खाई खाने के लिए नहीं है, इनको आपने रेशा रेशा करना है। ठीक है, और बिल्कुल इनका जो हड्डियाँ वो निकाल देनी है, और जो बाकी जो बोटियाँ उसका आपने रेशा रेशा कर लेना है, सेम इस प्रोसेस से जिस तरह मैंने किया। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको भी
इस आमेज़े में डाल देना है, ये जो आपने घोला है ना आमेज़ा, इसके अंदर आपने डाल देना है। फ्लेम मैंने फुल रखा हुआ है, लो बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्त उबाल आ रहे हैं। असल में मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा होता, तो मैं फिर इसको बार बार आगे पीछे करके ना ज़रा फोकस करने की कोशिश करती हूँ। उन दसो कल्ला बंदा की करे, कैमरा फड़े कम करे, कोई समझ नहीं आती भाई। ये चैनल ना बस अल्लाह तवक्कल ही चल रहा होता है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप क्वांटिटी देख लें कितनी है। यहाँ पे मेरा प्रेशर कुकर है काफ़ी बड़ा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ऊपर तक पानी है, ठीक। अब आपने ना घोटना लेना, जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये लकड़ी का चम्मच है काफ़ी मोटा, तो मैंने ये ले लिया है, तो मैं इसके साथ लगाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये है कि अब जो टाइम शुरू हो रहा है ना, ये टाइम टेकिंग है। बाकी जो चीज़ें थी उसमें मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता, ये जो टाइम है ना, इस आधे घंटे में 20 से 25 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको घोटना लगाना है। साथ साथ ये थिक होता जाएगा और साथ साथ इसमें लेस बनती जाएगी। जितना आप घोटना लगाएंगे ना, उतनी इसके अंदर अच्छी लेस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। एक तो घोटना लगाने का फ़ायदा ये भी होगा कि जो आपका चिकन है ना, वो मज़ीद रेशे रेशे होके ना, तो पूरी जो धलीम है ना, उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, तो ऐसे से ये थिक होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं जो इसकी लाइन थी उसे काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन अभी भी ये पक रहा है। और मैं साथ साथ इसको इस तरह करके घोटना लगा रही हूँ, ताकि जितना भी है लेस जो है वो बनना शुरू हो जाए, और बनना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी ये काफ़ी पतला है, तो इस वजह से आपको समझ नहीं आ रही होगी। ऐसे ऐसे थिक होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक। बड़ी इंस्टेंट रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। वैसे तो जो हैं ओरिजिनल रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल की है, और आपको इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जो लोग घर में बनाना चाहते हैं, इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं, ख़त्म वगैरह तिलवाते हैं लोग, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये देखें अब इसकी जो क्वांटिटी है कितनी कम रह गई है, ठीक। यहाँ पे ये था और आप देख सकते हैं कितना नीचे आ चुका है, ठीक। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक दफ़ा फिर मैं इसको अच्छी तरह से घोट लूँ, आपके सामने एफिशिएंसी दिखा लूँ मैं कि मैं इसको घोटती रही हूँ। तो ये देखें आप ज़रा, सारा जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका, और ये देखें आप कितना मज़े का जो है ना, अभी ये गरम गरम है, जैसे मज़ीद ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, और बड़ा अच्छा सा जो टेस्ट है ना वो आपका बन के सामने आएगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे गंदम नहीं मिलती, तो फिर कौन करे इतना, और गंदम का दलिया मैंने बता किया था वो भी नहीं मिला, तो इस वजह से भी मैंने इतनी वो वाला काम नहीं किया। मैंने कहा मैं आपको सिंपल रेसिपी दिखाती हूँ, मेरी तरह जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं वो इस तरह भी बना सकते हैं। तो अब लगाने लगी हूँ मैं तड़का। उसके लिए मैंने लिए हैं प्याज, बिल्कुल बारीक रिंग स्टाइल में अपने काट लेने हैं, ठीक है। और रिंग्स जो है ना वो आपने खोल लेने ऐसे मेरी तरह, ठीक है। तो इस तरह सारे रिंग्स खोल के, तो अगर आपके पास काली सुर्ख साबित मिर्चें हैं ना, तो आप वो लें, उससे बहुत अच्छा जो है ना तड़के का वो एक खुशबू आती है। लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है, तुझे कहो कि भाजी को लुंदा की है, खैर छोड़ो तुझे भाजी नो, तुम अपनी मर्जी करो, अभी थोड़ी दलीम है थोड़ी मर्जी। तो यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन किए हैं, उसमें मैंने डाल दी है ज़ीरा और साथ में जुलियन कट अदरक, मुझे कच्ची अदरक नहीं पसंद, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी, आप चाहें तो कच्ची भी ऊपर डाल सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद आपने बस इस तरह करके सारे जो प्याज हैं इसके ऊपर डाल देने हैं। और अब क्योंकि मैंने पी लेनी है इसकी पिक्चर, तो मैंने ना आप जो प्याज हैं उनको मैं खिलार दूँगी सारे पासे, क्योंकि ये सही से ना स्प्रेड नहीं हुए, ठीक है। इंग्लिश उर्दू पंजाबी सब कुछ मिक्स कर लेते हैं, तो ये अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं हुए हुए थे। तो अब मैं सारा अच्छी तरह से ना इनको सारे पासे खिलार के, तो उसके बाद ये मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें बहुत मज़े का, इसके ऊपर आप लीमू डालें, चाट मसाला डालें और मज़े से खाएं, ठीक। बेहतरीन रेसिपी है, बहुत मज़े का टेस्ट, बहुत अच्छी रेसिपी, और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी ख़त्म वगैरह दिलवाना है, जो इतना मतलब टाइम टेकिंग काम नहीं करना चाहते मुहर्रम में, तो आप आसानी के साथ, उनके रोज़े भी रखते हैं लोग, तो रमज़ान रोज़े में आपको पता है स्पेशली वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है कुकिंग करना। तो ये सिंपल सी इजी सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर की है। क्लोज़र लुक भी आप देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी है। मेरे बच्चों ने पहले तो खाई है दोनों ने चम्मच के साथ, तो अब यह है कि हम अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हैं। और आधी मैंने रख दी है, वो मैंने फ्रीज़ कर दी है, आधी जो है मैं फिर किसी दिन बनाऊँगी चावलों के साथ तड़का लगाऊँगी। और ये देख सकते हैं आपके लेस भी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हुई है, इसके अंदर बहुत मज़े की एक थिकनेस है इसकी, और जायका भी बहुत अच्छा था। तो आधी मैंने रख ली थी तड़का लगा के, और आधी जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दी है, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन हम खाएंगे। तो ये देखें जी, बहुत मज़ेदार जो दलीम है ना हमारी, हलीम दलीम जो भी आप इसको कहते हैं, रेडी हो गई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और मैं अपने चैनल को सॉरी अपने मोबाइल को साइलेंट करना भूल गई थी और जो है ना मैसेज की टोन आ गई है। मैं मिलूँगी फिर आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।